टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। ग्रेटर नोएडा की जारजा थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश अंकित और राजेश घायल हो गए। घायल बदमाशों से पुलिस ने दो तमंचे, जिंदा कारतूस, बाइक और लूट का टैबलेट और मोबाइल बरामद किया है। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए दोनों घायल बदमाश पूर्व में भी लूट और डकैती के मामले में जेल जा चुके हैं। शनिवार रात को थाना जारचा क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इनसे दो तमंचा, मय कारतूस व संदिग्ध बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है तथा थाना जारचा क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व में हुई लूट का टैबलेट बरामद किया गया है। अभी जारचा क्षेत्र में अल्ट्राटेक चौकी क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनसे दो तमंचे, संदिग्ध बिना नंबर की मोटरसाइकिल, कारतूस और कुछ दिन पूर्व जारचा में 50,000 रुपये और टैबलेट बैग आदि की लूट हुई थी, वो बैग मिला है। सारे डॉक्यूमेंट उसमें मिले हुए हैं और टैबलेट भी बरामद हुआ है। ये दोनों सातिर अपराधी हैं। अंकित नाम का बदमाश इसमें शामली का रहने वाला है और राजेश टॉनिका सिटी गाजियाबाद का रहने वाला है। दोनों पर ढेर सारे मुकदमे हैं। ये लूट, डकैती, गैंगस्टर में पहले जेल जा चुके हैं और अभी हमारे जारचा में हुई लूट का सामान बरामद हुआ है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों ने अपने नाम अंकित और राजेश बताया है। अंकित शामली का और राजेश ट्रानिका सिटी गाजियाबाद का रहने वाला है। इन पर पूर्व से कई मुकदमे जनपद गाजियाबाद और बागपत में पंजीकृत हैं। ये डकैती, लूट, गैंगस्टर में भी जेल जा चुके हैं। शातिर अपराधी हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से टाइम 24 न्यूज के लिए भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।